अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायात अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। ये काम डॉक्टर उदित राज जी कर रहे हैं, जो आज बैठे हुए आज दिल्ली के विभिन्न कोनों से आए हुए सभी संगठन के लोग आए हुए हैं। इसमें एक एक लोग हजार हजार के बराबर है। ऐसे अभी डॉक्टर साहब के लिए अलग अलग संस्था के लोग आए हुए डॉक्टर साहब का अभिनंदन करने के लिए, डॉक्टर साहब को काम करने के लिए जा रही है, कोई साधारण काम नहीं है मित्रों। आज 36 साल मुझे दिल्ली में हो गया है 36 साल, और हम भी 36 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में या किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो भावना गरीबों के प्रति, जो भावना दलितों के प्रति, जो भावना माइनॉरिटी के प्रति डॉक्टर उदित राज जी के दिल में है, ये भावना मैंने किसी में नहीं देखा। दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये तो आज मैं डॉक्टर साहब का अभिनंदन करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब जब भी रामलीला मैदान में कार्यक्रम करते हैं, मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। मेरी तरफ से भी 15-20 बसें जाती है पूरे दिल्ली से। आज इतना बड़ा संगठन, आज आप सभी जो यहाँ संगठन के मुखिया बैठे हुए, आज अभी कार्यकर्ता को बुलाता तो ये मोरंकर हॉल के ताल कटवा स्टेडियम में भी जगह नहीं मिलती। लेकिन समझ रहा हूं, आज बिल्कुल उन्हीं लोगों को बुलाया है। अनुप यादव जी बैठे हुए अपने आरों में, जब भी कहे 5000 लोग लेकर के 2400 घंटा तैयार। एस राहुल जी बैठे हुए, नाम लेना बेमानी होगा, मैं आप 25-20 लोगों को पर्सनली देख रहा हूँ जिसको मैं जानता हूँ, और सभी लोग अपने अपने संगठन से जुड़े हुए। आज डॉक्टर साहब किसी के पहचानने के या किसी के धन्यवाद के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब ने इससे पहले भी जब इंडियन जस्टिस पार्टी बनाया, लाखों लोगों को फायदा मिली है। मैं एक दो फायदे के बारे में बताना चाहूँ, उचित समझता हूँ, ताकि जो नए कुछ लोग आए हुए हैं, जो डॉक्टर साहब से नहीं जुड़े होंगे या अभी अभी जुड़े हैं, तो जानकारी होना जरूरी है। डॉक्टर साहब बुद्ध विहार में मैं रहता हूं, अब तो मेरा कर्म क्षेत्र बागली विधानसभा हो गया है। बुद्ध विहार में सड़क बनाने के नाम पर सरकार ने, दिल्ली की शीला सरकार ने कम से कम 250 मकानों को तोड़ दिया था। वो लोग पता नहीं ना जाने किसके किसके दरवाजे गए, हर जगह गए, उन्हीं की सरकार तोड़ा, उन्हीं के विधायक लेकर के यहाँ गया वहां गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। राजेंद्र जी एडवोकेट हैं, उनके नेतृत्व में लोगों ने डॉक्टर उदित राज जी के पास गया, डॉक्टर साहब ने एलजी से टैग लिया, डॉक्टर साहब डीडीए के वीसी से टैग लिया, और वहां जाकर के डॉक्टर साहब ने उन लोगों के साथ मीटिंग कराया। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा, सारे के सारे घर बन गया, वहां रोडे बन गई, वहां नहरें बन गई, पानी की व्यवस्था हो गया। ये किसकी देन है? डॉक्टर उदित राज जी की देन है। ये डॉक्टर उदित राज जी की व्यवस्था स्वरूप है। ये जिनका भी मदद करते हैं दिल से मदद करते हैं, ये नहीं जो फोन कर दिया काम खत्म, ऐसा नहीं है मित्रों। आप देखते, मुझे नहीं लगता जितना स्टाफ डॉक्टर साहब के पास बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे आगे पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब नहीं भी रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे लोग मिल करके फोन करते रहते, चिट्ठियां लिखते रहते, इतना और कहीं व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब गरीबों का बेटा है, गरीब का बेटा है डॉक्टर साहब, इसलिए डॉक्टर साहब ने गरीबी देखा है। डॉक्टर साहब स्वयं कमिश्नर थे, आज भी डॉक्टर साहब की पत्नी यदि आप सबको मालूम हो तो डॉक्टर साहब की पत्नी कमिश्नर है, क्या आवश्यकता है? लेकिन आवश्यकता है, क्योंकि हमें जब तक जिंदा रहना यहीं पर सब कुछ करके जाना है, ऐसा करके जाना है ताकि ये समाज नाम दे। डॉक्टर साहब इस नियत से काम कर रहे हैं, नहीं तो डॉक्टर साहब के पास लाखों रुपया महीना आता था, एसी मिला हुआ था, एसी में बैठे हुए थे, आज उनको लाख मारा, डीएलएस लेकर के गरीबों के बीच आया, जगाने का काम कर रहा है। आज यहाँ बीपी सिंह जी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी नाम लिया बीपी सिंह जी का, उसी तरह का डॉक्टर साहब नहीं होंगे, हम लोग गर्व के साथ डॉक्टर साहब का नाम लेंगे, और कहीं पर डॉक्टर साहब के पास करने के लिए एक मिनट। डॉक्टर साहब हरी मीटिंग में कहते हैं, जब तक काम पूरा नहीं हो जाए तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ना। आज तक सुने हो किसी नेता के मुंह से? सुने हो तो कोई हाथ उठा के मुझे बताओ,
ये सब नव सब है, नव तरु की प्राप्ति है, जो हमने किसी को बताने मालूम है, इसको सुनने की मर्यादा है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। अभी मैं बोलूं, कुछ चीजें आपको बताना जरूर चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने आपके लिए पार्लियामेंट में जो आवाज उठाया, चाहे SC ST OBC की आवश्यक समस्या का मुद्दा हो, चाहे IIM आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे भारतीय सेना में रेजिडेंट का मामला हो, चाहे जुडिशियल सर्विस की स्थापना का मामला हो, खेलों में आरक्षण का मामला हो, दलित उत्पीड़न का मामला हो, बैंकों में आरक्षण का मामला हो, SC ST फंड के दुरुपयोग का मामला हो, SC ST OBC यूनियन बैंक में रिटायर्ड कर्मचारियों का मामला हो, पदोन्नति में आरक्षण का मामला हो, IIT रुड़की से निकाले गए छात्रों का मामला हो, एयर इंडिया में पायलटों की भर्ती का मामला हो, जाति प्रमाण पत्र जारी होने में समस्या का मामला हो, एक राज्य का बना जाति प्रमाण पत्र सभी राज्यों में लागू हो का मामला हो, एम्स में आरक्षण का मामला हो, दलितों और गरीबों को आवंटित भूमि पर मारकर हक का मामला हो, तब साहब ने बढ़ चढ़ के पार्लियामेंट में उठाया। पहले से आपके साथ हूं, जितना भी जितनी संख्या कहेंगे 50 वर्ष 100 वर्ष लेकर के और सभी दलितों को ओबीसी को मैं जोड़ने का काम कर ही रहा हूं, आपके नेतृत्व में और काम करूंगा। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।